Change music. तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत बट्टों का 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। तीन बट्टा है, तीनों मिला के एक समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत के है। क्या यह सवाल भारी है? क्या समय यह सवाल बनाने में ज्यादा समय लगेगा? नहीं, यह सवाल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा, जस्ट एक मिनट से भी कम में बना देंगे। और जो आप इंस्टीट्यूट में, दूसरे इंस्टीट्यूट में आप सीखे होंगे इस सवाल को बनाने के लिए, जो रूल बताया होगा, जहां तक है कि मैं उससे बहुत आसान तरीका में बताऊंगा, कम समय में सॉल्व होगा। यदि आपको गुना और घाटा आता होता, यदि गुना और घटा आता है तो यह सवाल आसानी से सोल्व हो जाए। क्या आपको गुना आता है? आपको घटाने आता है? यदि घटाने आता है तो यह सवाल सोल्व हो जाएगा आसानी से। कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं, एक ही फॉर्मूला बताएंगे, जो कि इस तरह की जो भी सवाल आएंगे सभी सवाल सोल्व हो जाएंगे। तो इसे हम बनाते हैं, यह सवाल बनाने का जो तरीका है, यह सवाल बनाएंगे। 30% छूट देता है, बोलिए 100 रुपया में 30 रुपया छोड़ देगा तो कितना बचेगा? 70। फिर जो है 100 रुपया में 20% छूट देगा, कितना हो जाएगा? 80। फिर 100 रुपया में 10% छूट देगा तो कितना? क्या आपको गुना आता है? गुना आता है तो गुना कर दीजिए और आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ऊपर में क्या हो गया? 1050। नीचे क्या है? 9 × 7 = 63, 7 × 14 = 4, 504। क्या आपको घटाने आता है? यदि घटाने आता तो आपका आंसर इस दोनों में घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आंसर आएगा, इसको घटाइए, क्या आएगा घटाने के बाद? 10 में 5 × 6 और 9 में 0 × 9 और 9 में 5 × 4, 49.6%। आप इसे अपने तरीका से कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं क्या यह आंसर सही है या गलत है। आप अपना तरीका अपने फॉर्मूला से बनाएं, यदि सही है तो सही है, एक अंक के बाद 10 मतलब दे देंगे, आपका आंसर आ गया। तो थैंक यू यह सवाल बनाने के लिए, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक आदमी 25% हानि सहित एक घड़ी को 2400 रुपया में बेची, यदि 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर घड़ी को बेचनी चाहिए। क्वेश्चन है 25% लाभ कमाने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन जो होता है, सवाल जो होता है, दो स्टेप में बोला जाता है क्वेश्चन। एक स्टेप का आंसर जो है क्वेश्चन में ही दिया रहता है, दूसरे स्टेप जो क्वेश्चन बताता है, क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर हम निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक स्टेप का कनेक्शन जो जुड़ा हुआ होता है उसी पकड़ करके दूसरे कनेक्शन को निकालते हैं। मैं बताता हूं इसमें कनेक्शन क्या है। एक दिया हुआ रहता है, दूसरा आप सर्च करके उसे निकालते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि CSP ये क्या है, इतना रुपया में बेची, बेची मैंने सेलिंग प्राइस हमको दिया है, और एक सेलिंग प्राइस हम सर्च करके निकालेंगे। एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ, एक सेलिंग प्राइस हम सर्च करके निकालेंगे, कहीं कहीं इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस से ही सेलिंग प्राइस निकल सकता है। इसलिए 25 रुपया हानि होता है तो इसका जो है सेलिंग प्राइस 100 रुपया, अगर CP 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 25 रुपया हानि होगा तो कितना में बेचेगा वस्तु को? 75% पे बेचेगा। CSP 75% है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? SP 2400 रुपया दिया हुआ है। तो मैं आपको बताया ना कि कहीं कहीं क्वेश्चन में ही रहता है, दो पॉइंट मुझे मिल गया, इधर भी SP मिल गया, इधर भी SP मिल गया, इस SP के कनेक्शन से इस मालूम है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि 25% लाभ करना है, CP 100% है, 25% लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 125%। जब 125% सेलिंग प्राइस होगा, इस सेलिंग प्राइस कितना होगा इसी को निकालना है। एक बराबर क्या हो जाएगा? 2400/75। तो 125% बराबर क्या हो जाएगा? 2400/75 गुना 125, 25, 25, 75, 3 से काटेंगे 8 बार में, 800 गुना करेंगे 8×5=40, 4000 रुपया आंसर आ गया। तो देखिए कैसे आसानी से निकालते हैं। तो इस तरह यह प्रोसेस अगर समझ जाएंगे कि क्वेश्चन दो स्टेप में बताया जाता है, बोला जाता है, एक स्टेप का आंसर 25% का आंसर 2400 रुपया दिया हुआ था, 25% हानि का आंसर 2400 दिया हुआ था, 25% लाभ का निकालना था। तो मैं इस कनेक्शन को पकड़ के 25% हानि के प्रोसेस से पकड़ के मैं 25% लाभ को निकाला। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन को पकड़ना जान जाइएगा तो क्वेश्चन सवाल को सोल्व करने के लिए आसानी से सीख जाइएगा। तो क्वेश्चन अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो मैं जो बता रहा हूं या देखते रहे वीडियो को और मैं आपको सिखा दूंगा सवाल कैसे आसानी से बनाते हैं। तो थैंक यू। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सवाल है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से
एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इस पर कुछ छूट देकर 8% का लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि मान ले सीपी 100 रुपया है, तो वह कितना अंकित करता है? सीपी 100 रुपया है तो अंकित क्या करता है, 20% अधिक सेलिंग अंकित मूल्य जो होता है 120 रुपया हो गया, कुछ छूट दे करके 8% का लाभ कमाता है। कहने का मतलब कि 20% में 8% लाभ कमा रहा है तो छूट कितना दे रहा है, 12%। अंकित मूल्य 120 रुपया तो छूट कितना दे रहा है, 12% दे रहा है। तो दोस्तों हमेशा अंकित मूल्य जो होता है वह हमेशा 100% पर होता है। जब अंकित मूल्य 100 रुपया होगा तो छूट कितना होगा, छूट हमेशा 100% पे होता है, 120 पे नहीं होता है, इसलिए 120 पे 12% है तो 100 पे कितना परसेंट होगा, तो 12/120 × 100 ये हो गया 10 बार में इसको काटेंगे यानी कि 10%। तो सवाल देखिए, सवाल को समझिए, फिर सवाल को आसानी से बनाइए। मैं बताया था कि एक कनेक्शन खोजते हैं, उसी कनेक्शन से दूसरा भी कनेक्शन खोज करके आंसर को निकालते हैं। मुझे एक कनेक्शन मिल गया 120 पे 12%, तो 100 पे कितना%। थैंक यू। निकलेंगे घर से बहरिया, चाहे सभे लड़ा बल नजरिया, सभे छोड़ चाहे हमरो गोर गाले।